ध्यान न देबो विकास के काम पर तो कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। अब हिसाब देने के पड़ी तरह भैया भैया चुपचाप का फूल छाप चुपचाप लालटेन छाप सबसे बड़का भूल कांग्रेस का सबसे बड़का भूल। हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना, देश आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ गया नहीं। देखिए होगा हॉल तो गर्म है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है, चार तो पार होगा। रेट जाएगी फूल में। ये बताइए आप लालू यादव को वोट देते हैं? हाँ एकदम कट्टर भक्त है, एकदम एकदम कट्टर भक्त एकदम एकदम इधर उधर कुछ नहीं नहीं। इस बार रोहिणी आचार्य यादव यहाँ से अच्छे मतों से जीतने वाली हैं। सारण लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतेंगे, कोई लड़ाई नहीं। मौत है अपना। तो किसी सांसद ने कभी एम्बुलेंस दिया है रूडी के छोड़ के? राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राइवेट स्कूलों में वोट किसको दीजिएगा सारण में? वोट मैं अभी रोहिणी आचार्य को दूंगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य को दीजिएगा। लालू यादव का कौन योजना चलता है बिहार में हमको बता दे कोई। अरे 15 साल से विपक्ष में अपने बताइए ना क्या किया है आप लोग, क्या किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। इस समय मैं सारण लोकसभा क्षेत्र के रिविलगंज बाजार में हूं। यहां की जनता मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि इस बार सारण में क्या होगा, यहाँ के लोग किसे वोट देंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बेटी भी चुनावी मैदान में उतरी हुई है और पहले से राजीव प्रताप रूडी भी यहाँ पे हैं ही। इन लोगों से जानेंगे कि इस बार सारण में क्या होगा। क्या होगा भाई साहब, आप युवा हैं, सारण में इस बार आप लोग किसे वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच करके वोट देने जा रहे हैं, जो बताइए। इस बार रोहिणी आचार्य यादव यहाँ से अच्छे मतों से जीतने वाली हैं जी। ये लालू यादव का पारंपरिक सीट रहा है। हाँ। इस बार यह भी पता चल जाएगा। हाँ। कि क्यों इसको पारंपरिक सीट कहा जाता है। जिता दीजिएगा जी, जरूर, अच्छा मार्जिन से जीतने वाली है। क्या क्या होगा बाबा इस बार? सारण लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतेंगे, कोई लड़ाई नहीं। रूडी जीतेंगे। हाँ, कोई लड़ाई नहीं। कह रहे हैं कि मौत है अपना। लड़ाई का ही आलम है। नामांकन रद्द कराने के लिए लोग हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। डर है, डर है और कुछ नहीं। प्रक्रिया है, प्रक्रिया में प्रक्रिया नहीं है। वहीं से कैंसिल नहीं हो जाता, प्रक्रिया कहाँ है? यहाँ पर नहीं है। राजीव प्रताप चुनाव जीत रहे हैं यहाँ। यहाँ जो भी आपको काम दिख जाएगा सारण में, इनको पूरा चैलेंज है कि 10 काम राजीव प्रताप रूडी के ये बताएं। सारण लोग राजीव प्रताप रूडी जी एक ऐसा सांसद बिहार में है जो पटना में कंट्रोल रूम खोल के सारा उनके क्षेत्र के समस्या का निदान करवा। कंट्रोल रूम खोल बिहार में कंट्रोल रूम से सारण की लोकसभा के जितने भी लोग हैं उन लोगों को कोरोना काल से लेकर के और आज तक अभी भी आप उनके नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे फोन लगा लीजिएगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आपको वो सुविधा जो पहले नंबर के आदमी को मिलता होगा वो अंतिम आदमी को मिलता है। अरे ये बताइए महाराज, आप हल्ला मत कीजिए। एक एक करके पहले रुकिए। ये तो सब कोई देखा है कोरोना काल में एम्बुलेंस कौन चुरा कर रखा था। आप बताइए, कोरोना काल में बालू ढोने का काम किया गया एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस था रोगियों के लिए था, मगर कुछ लोग, भैया मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों ने, किसी सांसद ने कभी एम्बुलेंस दिया है रूडी के छोड़ के? राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे नहीं, एक क्या करके एक एक करके बोलेगा सब। एक यूनिवर्सिटी खोल कर दिया गया जब काश यूनिवर्सिटी, उसको भी ढंग से नहीं चला पाए राजीव प्रताप रूडी। 5 साल में बीएससी का डिग्री कोई नहीं देगा जवाब। आप लोग क्या सोच कर इस बार वोट दीजिएगा, किसे वोट दीजिएगा, जो बताइए। हमारे राम मंदिर बना, राम मंदिर पूरे छपरा में जहाँ भी देखिएगा 36 करोड़ का काम रूडी जी का चल रहा है रोड का, इसके चलते हम लोग देंगे। अरे ये लोग तो डबल डेकर वाला भी जुड़वा देता है उसी 36 करोड़। बीजेपी पैकेजिंग करने में माहिर है, ये लोग 36 करोड़ 48 करोड़ ऐसे ही दिखाते हैं। राजीव प्रताप रूडी ने इसी गांव के बगल से 6 लेन होते हुए दीघा तक का रोड पास कराया है, जो कि सदन में रह के होता है, लोगों के गाँव और देहात में रह के नहीं होता है। रूडी जी हाँ गैस पाइप जो कनेक्शन दे रहे हैं, गैस पाइप बिछाने का काम कर रहे हैं, सिटी योजना का काम था। रूडी जी अपना प्रयास करके उसको ग्रामीण क्षेत्र में लागू, पाइप लाइन बिछा है, कनेक्शन मिल रहा है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, युवाओं का रोजगार खत्म है, महंगाई चरम पे है, और ये सारा ये प्राइवेट स्कूलों में वोट किसको दीजिएगा? सारण में वोट मैं अभी रोहिणी आचार्य को दूंगा, क्योंकि रोहिणी आचार्य को दीजिएगा। राम राम से देखिए, आप लालू यादव जिंदाबाद बात कीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। आप रोहिणी आचार्य को वोट दीजिएगा जी, मतलब आपको पसंद है, अच्छा काम करेंगी क्या ये है? जी अच्छा काम करेंगे। उनका फादर रेल कारखाना बैठाई है, उनका फादर रेल कारखाना दिए। एक बात और मैं यहाँ रिविलगंज की जनता को बता दूं कि बीते 7-8 महीने पहले यहाँ पे दिव्यांगों के लिए चेयर का वितरण किया गया है। जिन लोगों के पास भैया पैर नहीं था, उन लोगों को पैर देने का काम किया गया है। माननीय राजीव ट्रैक्टर वाला की 2 मिनट रुकवाई है, 2 मिनट रुकवाई ट्रैक्टर वाले को। 15 लाख कब आएगा? जुमला में नहीं पता कि 15 लाख कब आएगा। जो वादा किया था क्या होगा? सारी सरकारी बेटी को जितवाएंगे, लालू यादव के बेटी को जितवा दीजिएगा। सारी सरकारी संपत्ति बेची जा रही है और युवाओं का रोजगार खत्म किया जा रहा है। सारा प्राइवेट सेक्टर। यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, साइकिल और मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। देखिए ट्रैक्टर चाहिए, आराम आराम से पहले ट्रैक्टर को पार कर लेने दीजिए। ट्रैक्टर जा रही है, जाइए भाई साहब, जाइए बाबा। हाँ बोलिए। यहाँ के लोग लालू यादव के फैन बने हुए हैं। देखिए सारे लोग। सुनिए, फैन की बात नहीं है, पारंपरिक सीट कहा ना जाता है। देखिए फैन की बात नहीं है। देश के प्रधान सब लाइकन को पहले हटाइए ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 529 संकल्पित देश के लिए योजना घोषणा की है, जिसमें बिहार का कोई एक व्यक्ति बता दे कि उन योजना से लाभ मिला है कि नहीं मिला है। देखिए चाहे पीएम किसान योजना हो, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे कोई नहीं लिया है। फ्री राशन कार्ड है, फ्री राशन अनाज मिल रहा है। चाहे कोरोना काल में कोई व्यक्ति नहीं जो बता दे जो देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप लोग सुनिए। देखिए रिविलगंज की प्यारी जनता, हम यहाँ आने से पहले हम आ रहे थे तो मालूम चला कि रिविलगंज की जनता को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आ करके मुझे ये महसूस हुआ कि रिविलगंज की जनता जो जानती है वो कहीं की जनता नहीं जानती है। एक चीज जान लीजिए आप लोग, नहीं एक बात भैया बताया कि किसान निधि योजना चल रहा है, किसान निधि योजना से किसान मर रहे हैं। पहले सुन लीजिए, किसान मर रहे हैं। दूसरा चीज उन्होंने 5 किलो अनाज की बात की। 5 किलो अनाज पहले 8 करोड़ लोगों को इधर है। क्या सारण में क्या होगा इस बार? इस बार रूढ़ी निकलेंगे, भाजपा निकलेगा। सारण में क्या नहीं निकलेगा? महाराज आप उधर जाके हल्ला कर रहे हैं। रूढ़ी जी के लिए एक बात है, ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, कोई चाय नहीं करेगा, रुक जाइए। 1 मिनट हमको जवाब दो, बता दे कि लालू यादव का कौन योजना चलता है बिहार में, हमको बता दे कोई। अरे 15 साल से विपक्ष में, अपने बताइए ना क्या किए हैं आप लोग, नहीं बताइएगा। 3 लाख मुद्दा है भैया, हल्ला से नहीं होगा भैया। रूढ़ी जी के लिए एक लाइन बताइए, ध्यान ना देब विकास के काम पर तो कब ले जीताई जनता मोदी जी के नाम पर। अब हिसाब देने के पड़ी भैया। जनता के बहुत अच्छा से मालूम बा कि लोकसभा के चुनाव में लालू यादव के कोई कैंडिडेट नहीं है, INDIA के कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़ा हो जाए, बगल में खड़ा होने की औकात नहीं है किसी की। नरेंद्र मोदी ठीक बोला भैया, नरेंद्र मोदी INDIA का एक भी कैंडिडेट नहीं है जो एनडीए के उम्मीदवार के सामने खड़ा हो जाए। इन्होंने सत्य बोला, एकदम मैं स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए कि इतना झूठ बोलता है लोग कि वहाँ बगल में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। भैया प्रधानमंत्री मोदी जी और कोई नहीं, आजाद भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। पता नहीं है प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, नहीं पता। ठीक है, क्या क्या देखिए इन लोग एकदम चढ़े हुए हैं आप लोग पे, एकदम कह रहे हैं कि इस बार कमल नहीं खिलेगा यहाँ से। जितना बीजेपी वोट है चाहे कमल का वोट है, ये हल्ला नहीं करता है, अरे कमल वाला बवाल नहीं करता है। आपने तो देखा ही ना कि सब तो वही एकदम चुपचाप जो रहता है, हम लोग शांति रूप से वोट होता है। सबसे बड़का भूल कमल, तो सबसे बड़का भूल। आराम आराम से हल्ला नहीं कोई करेगा, हल्ला कोई नहीं करेगा, हल्ला नहीं कोई करेगा। और भी आइए भाई साहब, आप लोग पीछे से आइए, पीछे से आइए। अरे ठीक है, आइए। क्या माहौल है भैया, किसको वोट दीजिएगा? हम लोग तो बीजेपी देंगे। आप लोग किसको दीजिएगा? तो तेज बोलिए ना, इतना धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? तेज तो बोल रहे हैं। किसको दीजिएगा? बीजेपी को। देखिए बीजेपी के बाकी सारे लोग करे बदमाशी तुम लोग चुप रहो। बीजेपी को वोट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा बीजेपी को वोट? हम स्वतंत्र आदमी हैं। जब स्वतंत्र आदमी हैं तो आप वोट बीजेपी को दीजिएगा। आप किसको दीजिएगा? बीजेपी को। ये सारे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को वोट देंगे, आरजेडी है, देने दीजिए, हमारे देश आगे बढ़ रहा है ना, देश आगे बढ़ रहा है। देखिए देश आगे बढ़ रहा है ना, आतंक से तो मुक्त हुआ ना, देखिए राज्य के लिए नहीं है लेकिन केंद्र के लिए है। हंगर इंडेक्स में हम लोग पाकिस्तान से भी चले गए नीचे। देखिए ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया। कहाँ आतंकवाद खत्म है? आज भी होता है, रेप होता है, यही तो लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ है। हर एक जगह से खत्म हो गया है। जानते हैं आप लोग भैया ये वही पार्टी है जो 370 का नाम पूरे देश में ले रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये वही पार्टी है जो जम्मू कश्मीर का नाम पूरा देश में ले रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है। जो जवान शहीद हुए, वो सेना के जो जवान मरे, वो आज तक RDX कहाँ से? बीजेपी सरकार जो पता नहीं लगा पाया। क्या बात करेंगे? कहाँ से? ये बताइए क्या होगा? माहौल तो गर्म है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। 400 पार होगा। ए भाई साहब, अरे आप लोग आगे आइए। नीतीश जी जैसे 4000 कह देंगे। नीतीश जी जैसे 4000 कह देंगे। नहीं ठीक है भैया, काम तो इतना है ना भैया कि जिस तरीके से आप पटना से आए भैया, आपको कहाँ ठोकर मिला है सो बता दीजिए। जितना अच्छा रोड है, आज यहीं की जनता चाहे आरजेडी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी भी अन्य दल की पार्टी हो, यहाँ से अगर यूपी जाना हो तो मात्र 10 मिनट लगेगा। इसी रोड पर ठीक बोल रहे हैं, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। एक ही बात को सब भरोसा है, इसी रोड पर युवा बैठ के भीख मांगेंगे। आपको विकास 17 महीनों में 10 लाख नौकरी मिला कि नहीं मिला? देखिए यहाँ पे मोदी सरकार का रोड का विकास कांग्रेस में रघुवंश प्रसाद सिंह थे, इसी समय रोड जाके देखिए। अभी नहीं बोलेंगे, देखिएगा। इधर आइए, रोड कैसे बन गया? अभी रेट जाएगी फूल में। ये बताइए आप लालू यादव को वोट देते हैं? हाँ, एकदम कट्टर भक्त है, एकदम कट्टर भक्त, एकदम इधर उधर कुछ नहीं, नहीं एकदम नहीं, एकदम ललटेन छाप पक्का, एकदम पक्का, एकदम। देखिए यहाँ पे माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सारण की जनता किसे वोट देती है और सारण से कौन फिर सांसद बनता है। सारण से सौरभ राज, लाइव सिटीज।